यहाँ बोतसवाना ही है। ये देखिए चूल्हे पे बनाते हैं भाई यहाँ पे भी। अब तो फिर थोड़ा ढकना पड़ा, किसी ना किसी का काम आवेगा। लो जी कॉफ़ी तैयार है, तो बिस्किट्स कॉफ़ी ये हमारा ब्रेकफास्ट होएगा और उसके बाद में निकलेंगे भाई। यहाँ पे वो कैटल होती है लगभग सभी होटल्स में ना, और ये कॉफ़ी का कुछ पाउच रख देते हैं, आराम से बना के अपनी कॉफ़ी पी सकते हो। कॉफ़ी का कल्चर तो है यहाँ पे। सही, ऑल रेडी, आई एम रेडी, स्टार्ट। अगला शहर जो है जहाँ आज हमें पहुँचना है वो है पलापे, तो आज पलापे पहुँचेंगे। यहाँ से 80 किलोमीटर है भाई, साथ में रेलवे लाइन है। बस इसमें ना सिर्फ वो वाली रेल चलती है, सामान ढोने वाली। कल पुलिस वालों ने मुझे बोला कि आप कैंपिंग नहीं करना रास्ते में, रोक के। फिर सूरी सर भी आए, वो मुझे यहाँ ड्रॉप करके गए। दाबाले करके कोई सिटी थी, वहाँ से अगली सिटी में ड्रॉप करके गए। आके इतनी दूर से 120 किलोमीटर से आए, ड्रॉप करा, फिर रात को वापस गए। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच। आर्मी की गाड़ी है। सो भाई हम महालापे में आ गए। देखिए पीछे स्पार है, इधर चौपीस है, और यहाँ पे जितने भी एटीएम पे भीड़ बड़ी लगी हुई है। पीछे पोस्ट ऑफिस में एटीएम था, वहाँ पे बहुत भीड़ है, पता नहीं क्या चक्कर है। महालापे जो है ठीक ठाक से शहर है, मतलब इतना छोटा शहर नहीं है। गैबरॉन से चलने के बाद में पहला ही शहर है जो ठीक ठाक सा दिखा। पहले बीच में तो कोई गाँव से ही आए हैं दो तीन, बाकी कुछ था नहीं। तो लगभग 200 किलोमीटर में कोई गाँव शहर नहीं था। पर आप भी 80 किलोमीटर पे मालापे पलापे है, पलापे के बाद में फ्रांसिस टाउन है। मालापे रिवर महालापे है। पहली बार ट्रेन को जाते हुए देखा है, अदरवाइज ट्रेन को खड़ी देखा है या पटरी खाली देखी है। तो पहली बार कोई ट्रेन देखी, वो मालगाड़ी। यहाँ पे सवारी गाड़ी नहीं चलती है, मालगाड़ी चलती है सिर्फ सामान इधर से उधर ले जाने के लिए। ये ओवरलोडेड ओवरवेट वाले ट्रक बहुत चलते हैं यार यहाँ पे। खदान है, माइंस है, माइंस में यूज होता है इनका। आज हम यार निकलते 9 बज गए, और 9 बजे धूप हो गई है यहाँ पे, ठंडी हवा चल रही है। सामने की हवा है, देखिए तिरंगा कैसे फैला हुआ। ये काटती है यार बॉडी को, फेस को ना ऐसे काट के निकलती है, तो फिर थोड़ा ढकना पड़ा। और सुबह चढ़ाइयाँ स्टार्ट होगी, सामने की हवा होगी, तो 80 किलोमीटर भी आज जैसे 150 किलोमीटर जैसी राइड हो जाएगी। पर ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे यार, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे ढाबे से भी मिलते हैं भाई, पर वेज कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखते हैं। हाउ आर यू मामा, व्हाट आर यू मेकिंग? Maize, huh? But they are not ready. And you make tea, coffee? No. Okay. ये देखिए चूल्हे पे बनाते हैं भाई यहाँ पे भी। अभी इसमें एक में मेज है। मामा show me. They are not ready yet. Okay. तो चिकन विकन तैयार हो रहा है, मेज तैयार हो रहा है, लकड़ी जलाई जा रही है। खूबसूरत सा खाना ऐसा आपको रोड साइड में बहुत जगह मिल जाएगा। यहाँ पे नंबर डाला हुआ है, 4 नंबर 3 नंबर 3 4 3 4. Why these numbers? This is porridge. No, size. Okay. 3 नंबर 4 नंबर size है पतीले का। ये ऐसे आपको काफ़ी मिल जाएगा। चाय कॉफ़ी है नहीं, मैं चाय कॉफ़ी पीने के लिए रुका था, कुछ मिल जाती तो। पर अच्छा है यार, देखिए पेड़ के नीचे और खूबसूरत सी जगह, महिलाएं खुद ही लकड़ी काट रही हैं और खुद ही लगी हुई पतीले का साइज। ये 6 नंबर साइज है इसका ढक्कन, और बड़ा सॉलिड है। थैंक यू मामा। तो दोस्तों अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ मैं, ये ना यहाँ पे कोयला बहुत होता है इस एरिया में। जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कोल माइन, उन्होंने ना यहाँ पे 200 किलोमीटर ऐसे एरिया जो है वो लिया है गवर्नमेंट से, यहाँ पे बोत्सवाना की गवर्नमेंट से। अभी डील फाइनल हो चुकी है लगभग, और यहाँ से जो कोयला वो निकालेंगे। तो ये पूरा एरिया जो है कोयले का एरिया है, यहाँ पे धरती के अंदर कोयला बहुत ज़्यादा है।
लो जी बैग उतार लिया अपना और अब हम इसमें चाय बनाएंगे। ये बिस्किट बड़े स्वाद हैं यार, ये वाले बेकर्स के। ये थोड़े से ओट्स पड़े हैं, पहले ये खाएंगे यार बना के, फिर चाय बनाएंगे। दलिया तैयार हो गया भाई, बगैर मीठे का खा रहा हूँ अब मैं। अब मैंने थोड़ा मीठा कम किया यार, बहुत ज़्यादा हो जाता है हर जगह ही। लो भाई अब चाय बना लेते हैं और डाल दिया चाय पत्ती। ये दूध के पाउच है, ये इसमें डाल दिया एक। चाय उबल के तैयार हो गई, पेट पूजा हो गई है, सब पैक कर लिया है। अब दोबारा से चलने की तैयारी करते हैं। एक्चुअली 2 लीटर पानी ख़त्म हो गया, अभी ये रह गया। आज का टारगेट जो है अभी 55 किलोमीटर है। 12 बज गए यार, बड़ा स्लो हूँ आज तो मैं। थैंक यू। हाउ आर यू? सब यू कूल? यस सर। आर यू कूल? या आई एम वेरी कूल। व्हाई? यस। व्हेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया। सो भाई रुक गए हैं फोटो लेने के लिए। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज वॉल्टर। व्हाट? या। थैंक यू एवरीवन। थोड़ा सा घूमते घूमते आगे चलेंगे धीरे धीरे मस्ती में। और अभी भी 40 किलोमीटर टारगेट है। इट्स फॉर माय यूट्यूब चैनल। ओके। हेलो लिली। या यान बोत्सवाना ये। मजेदार लोग हैं, बड़े मतलब फ्रेंडली हैं यार बोत्सवाना के लोग। शिकारी कुत्ते हैं ये, शिकारी कुत्ते तो शिकार के लिए गए होंगे ना ये। यहाँ पे शिकार होता है अभी भी। वो गड्डी से एक पाजी बैठे सी, उन्होंने सानू वेख लिया तो रोक लिया, मोड़ के लेके आ रहे हैं गाड़ी को। अभी ट्रैफिक काफ़ी हो गया यार अचानक की। किदा किदा ठीक ठाक? बस मौज आ गई जी। हाँ हाँ। और कितने तो मैं बड़े पहला बंदा दिखा हरियाणा का मुझे तो। अच्छा एग्रीकल्चर था? एग्रीकल्चर लग गए क्या? लग गए यार इधर नाले। अच्छा अच्छा चल ला भाई यार, हुन तब पहुंचना इधर नु। लो भाई हम पलापे में पहुंच गए हैं और भाई है मेरे साथ में। अभी हम जो है एक यहाँ पे तड़का रेस्टोरेंट है वहाँ पे रुके थे, चाय पी वहाँ पे और निकले तो वहाँ पे भाई मिल गए। तो इन लोगों के पास ही रुकूंगा आज रात को मैं, तो गेस्ट हाउस नहीं लेना पड़ेगा तो भाई के पास रुक जाऊंगा। और भाई कैसे हैं आप? बस बढ़िया। तो आप उड़ीसा से हैं? जी मैं कटक से हूँ, उड़ीसा से। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे इंजीनियर? नहीं पहले तो जॉब करता था, अभी यहाँ पे स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। सो नाइस यार। हेलो भाई घर पर आ गए और टमाटर आए हैं खेत के, तो मैंने पूछा कि खेती? बोले हाँ खेती करते हैं। तो बाऊ जी राजू भाई ये हैं हमारे राजू भाई, इनके साथ में हम अब खेत में जाके आ रहे हैं। तो खेत में ले चलते हैं अपने मसीमो पे। हाँ मसीमो बोलते हैं खेत को। क्या बोलते हैं? मसीमो। मसीमो ठीक है। तो हम मसीमो पे जा रहे हैं घूमने। चलो जी। आपका नाम? मेरा हरीश। हरीश। लो भाई हम आ गए खेत में। कितने साल से कर रहे हो? हो तो गए 3 साल लेकिन इधर अपना ही लेके आए। पहले मिनिस्टर के साथ था, एक अपना जो यहाँ का एमपी था ना पलापे का मिस्टर होया, तो पहले उसके साथ फिर अपना ले लिया। वो मिट्टी थोड़ी ठीक नहीं थी, फिर वो जमीन सारी उसमें वो निकल आया कोयला। अच्छा। तो मोरपुले कोल माइन ने सारी वो एक्वायर कर ली। मिट्टी तो ठीक है यहाँ की? ठीक है लेकिन उधर जहाँ वो की है ना वहाँ की थोड़ी वैसी थी, मतलब मिट्टी मतलब काली और लाल सी मिक्स नहीं है, तो फर्स्ट क्लास मिट्टी है। अब देखना है हमारे टमाटर कैसे उधर हो रहे। कमला ये टमाटर तैयार हो रहा है। और जैसे कितना लग गया सारा ना ठीक? सुपर मार्केट को सेल करते सब जी? पहले यहाँ से इन्हें छाटेंगे,
उनके वो बनाएंगे ग्रेट के भी इतने में ये इतने में इतने में अच्छा, अच्छा। फिर पैकेट जिसे पैकेट चाहिए वन वन के लिए पैकेट बनाते। क्या रेट चल रहा है वैसे नॉर्मली? नॉर्मली 10 पुला पर के 10 पुला मतलब इंडियन 60 रुपए किलो का करीब है। हाँ 60-65 रुपए किलो टमाटर है। खाट बना के डाल रखी है भाई सब? खाट तो ठीक है पर ये क्या रखवा दिए? ये थोड़े गद्दा का तो एक्चुअली यहाँ बांस नहीं मिलते ना, या तो गंबल के बनवाते फिर वो टूट जाते। क्या बात है, ये मैंने खुद बनाया था, ये उसका टायर का बना हुआ जो टायर नहीं होता। तो ये 5 हेक्टेयर जगह है क्या? 6 हेक्टेयर ये वहाँ तक है, वो जो बीच में 2 पेड़ हैं बड़े और फिर बीच में लंबा सा पेड़ दिख रहा है ना, वो वहाँ तक है। ये परचेज कर ली कि कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं? नहीं, ले ली ले ली। ये प्याज लगा रखी है सारी? ये सारा टमाटर है, ये प्याज है, और उधर केला रखे हैं? उधर चलते हैं अभी, वो रेप जैसे सरसों का साग होता है। ये बोर होल है? 2 पंप डाल रखे हमने अंदर। अच्छा, एक सोलर से चलता रहता है जब धूप होती है और जब हमें पानी की जरूरत पड़े तो इंजन चला देते हैं। अच्छा अच्छा, और लाइट का कोई है नहीं यहाँ पे? लाइट का बस सोलर से ही काम चलाते हैं, बाकी और लाइट साइड लगवा देंगे। ये अपना देसी पतीला, देसी मतलब केन वगैरह बनाना हो तो इसी में अपना चढ़ा दो। ये हरी मिर्च, ये हरी मिर्च है बहुत तीखी है, एक ले लो ना रोटी के साथ खाने में तो आधी खाई जाती है। चलो मैं इतनी भी मैं खा के देखूंगी। ये बैंगन है? ये सारा मतलब सुपरमार्केट में सप्लाई करते हो? हाँ, सब सब सुपरमार्केट में। ये बड़ा हो गया ना? छोटे थे ना, हमें थोड़ी मिलती थी शिमला मिर्च खाने को। अरे भाजी तो अंग्रेजी फूड में आती थी। तो ये आगे टमाटर, टमाटर जबरदस्त थे। ये साग है, जैसे सरसों का साग होता है, यूज भी साग की तरह ही करते हैं ये लोग। हाँ वही साग की तरह, ये तो बहुत खाते हैं। और ये भिंडी है? अच्छा, भिंडी को कई देशों में कई तरह से बोला जाता है, हम इंडियन तो इसको लेडी फिंगर बोलते हैं, आप क्या बोल कुछ और देशों में क्या बोलते हैं? तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? हमारे इंडियन मतलब भिंडी या फिर लेडी फिंगर बोलते हैं। ये पेड़ है, इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? अमरूला। अमरूला तो इसका एक फ्रूट लगता है जिसकी कि यहाँ पे दारू बनाते हैं, वाइन वाइन बनती है, और इस फ्रूट को हाथी खाने के लिए बड़ा मतलब वो रहता है, क्या खा के नशे में हो जाते हैं, तो झूमता रहता है हाथी। और इस एरिया में हाथी तो पूछो ही मत कितने हैं, आगे मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ से 100-200 किलोमीटर जाने के बाद हाथियों की लंगार लग जाएगी पूरी, पूरे बोत्सवाना में कहते हैं कि 130,000 हाथी हैं। तो इसका एक फ्रूट लगता है, उसकी वाइन बनती है, वो फ्रूट है नहीं, मैं दिखाऊंगा आप। पीछे पेड़ लगा दिए, पपीता, केला, अनार, अमरूद, अंगूर है, हाँ वो तो अंगूर है, ये नहीं अंगूर की, ये कुछ और है, ये भी अंगूर है। स्वाद बहुत है, इसको बोलते हैं पपोटन है अपने यहाँ तो, देसी तरीके यूपी में तो पपोटन ही बोलते हैं। इतना सा पैकेट मिलता है इसका, कितने का लाए थे हम? वो इसमें मिलता है फूड लवर्स में, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। इतनी ऐसी थी, इतनी बढ़िया ना। हाँ, हमें भी अपना हथियार मिल गया दन्नों का, ये जो लठ था जो कहीं पीछे घूम गया था साउथ अफ्रीका में, जो कि हम तंजानिया से लेके चले थे, तो भाई साहब की फार्म हाउस पे ये पड़ा था, तो मैं बोला मैं भाई साहब ये तो मेरे को दो, किसी ना किसी का काम आवेगा, ये सॉलिड भी है थोड़ा सा, कुत्ता बिल्ली से भी थोड़ा बचाएगा।